हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिपल सी के कोर्स के इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर के बारे में। तो आज प्रिंटर के बारे में हम लोग डिटेल में सारी चीज़ें जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन से कि प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है, इसे हम हार्ड आउटपुट पाने के लिए प्रयोग करते हैं। हार्ड आउटपुट मतलब इसे हम हाथ से छू सकते हैं, पेपर पे सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आती हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। प्रिंटर की क्वालिटी को डॉट पर इंच यानी कि DPI में नापा जाता है। प्रिंटर के माध्यम से हम किसी भी कंप्यूटर के सॉफ्ट कॉपी का प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर जैसे आप वर्ड, नोट पैड, एक्सेल, पावर पॉइंट कहीं पे भी कुछ भी काम करते हैं, उसे आप प्रिंटर के माध्यम से हार्ड कॉपी में यानी कि पेपर पे निकाल सकते हैं। प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो सबसे पहले हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर को ध्यान से देख लेते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। इस प्रकार के प्रिंटर पेपर पर प्रिंट करने के लिए इंप्रेशन बनाते हैं। इंप्रेशन का मतलब जैसे ऐसे पेपर है तो पेपर के ऊपर बार बार कोई चीज ऐसे आके मार्क बनाती है, इसे इंप्रेशन कहते हैं। इंप्रेशन बनाने के लिए इन प्रिंटर में इंक वाला स्ट्राइक करके पेपर पर प्रिंट किया जाता है। इसके साथ में प्रिंटर में एक मेटल का हेड होता है जिसमें प्रिंट या सिंबल करेक्टर होते हैं जो पेपर पे आके ऐसे पढ़ते हैं। प्रिंट करने में बहुत इस तरीके के प्रिंटर बहुत धीमे होते हैं प्रिंट करने में, सस्ते भी होते हैं। इनकी प्रिंटिंग कास्ट जो है काफी कम होती है अन्य प्रिंटर से। इन प्रिंटर में प्रिंट क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन जहां पे बल्क में प्रिंटिंग की आवश्यकता होती है वहां पे यही प्रिंटर यूज किए जाते हैं। जैसे आपके रेलवे स्टेशन पे जो टिकट प्रिंटिंग में होते हैं उसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही प्रिंट या कह सकते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर ही प्रिंट किए जाते हैं। डॉट मैट्रिक्स भी इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण है। आसान शब्दों में कहें तो इस प्रकार के प्रिंटर पेपर पर प्रिंट करने के लिए एक हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटर के उदाहरण इस प्रकार के प्रिंटर के उदाहरण हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी वेल प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। तो इनको हम लोग जरा डिटेल में देखते हैं कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या होता है। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार डॉट मैट्रिक प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए प्रिंट का प्रयोग पिंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ पिंस होती हैं जो इंजन के थ्रू ये कमांड लेता और देता है। इन्हीं पिंस की मदद से प्रिंटर पेपर पर प्रिंट करता है। इस प्रकार के प्रिंटर प्राय रेलवे स्टेशन का प्रयोग रेलवे स्टेशन में प्रयोग किए जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप रेलवे स्टेशन पे टिकट लेने जाते हैं तो आपको ये टिकट जो टिकट मिलता है वो डॉट मैट्रिक प्रिंटर से ही प्रिंट हुआ होता है। अब हम लोग देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? जो हमारे इस तरीके स्ट्राइक नहीं करते हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं, जिनमें स्प्रे से जो है प्रिंटिंग होती है, जिनमें करेक्टर प्रिंट करने के लिए इम्पैक्ट का प्रयोग नहीं होता और एक स्प्रे का प्रयोग होता है। ये दो तरीके के होते हैं। ये स्प्रे हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है इंकजेट प्रिंटर, दूसरा होता है लेजर प्रिंटर। तो पहले हम लोग चलते हैं इंकजेट प्रिंटर को देखते हैं। इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो स्प्रे करके प्रिंट करता है, यानी कि जहां पे भी करेक्टर प्रिंट करने होते हैं वो उन पे स्प्रे करता है जिससे वो करेक्टर फॉर्म होते हैं या वो डिजाइन फॉर्म होती है। ये प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर से महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं और इन प्रिंटर का प्रिंट क्वालिटी भी हमारे इंपैक्ट प्रिंटर से अच्छी होती है। ये प्रिंट स्पीड में भी उनसे तेज होते हैं, लेकिन इनकी प्रिंटिंग कास्ट इंपैक्ट प्रिंटर से ज्यादा होती है। एक चीज और यहां बता दें कि जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं ये आपके कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों तरीके के आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, जबकि जो इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं उनसे ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट ही निकलते हैं, कलर प्रिंट बहुत कम ही वो निकाल या कहें नहीं निकालते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं लेजर प्रिंटर देखते हैं। लेजर प्रिंटर में लेजर बीम के थ्रू जो एक इंक होती है जो कि सॉलिड इंक कह सकते हैं या पाउडर की फॉर्म में होती है, उसको पेपर पे लेजर की मदद से प्रिंट किया जाता है जिससे करेक्टर और इमेजेस प्रिंट होती हैं। इनमें एक सिलेंडर ड्रम होता है जिसमें फोटो रिसेप्टर होता है। इस ड्रम का लेजर बीम पर पेपर को प्रिंट किया जाता है। सिलेंडर ड्रम एक ड्राई इंक से भरे, ड्राई मतलब सूखा चूर्ण तरीके का होता है, कंटेनर के अंदर रखा होता है जिसे कॉर्ट्रेज कहते हैं। जैसे कभी प्रिंटर का इंक खत्म हो जाए तो कहते हैं कॉर्ट्रेज रिफिल करा लाए, तो ये वही कॉर्ट्रेज है जो पेपर पे प्रिंट करने के काम आती है। जो लेजर पढ़ने से इंक को पेपर पर छोड़ देता है यह प्रिंटर सबसे महंगा होता है और इनकी प्रिंट क्वालिटी भी सबसे अच्छी होती है। इनकी प्रिंटिंग स्पीड भी सबसे ज्यादा होती है,
इनकी प्रिंट क्वालिटी 600 dpi या अधिक होती है, जबकि और जो प्रिंटर होते हैं वो 200-300 dpi में ही काम करते हैं। अगले वीडियो का हम लोग जो देखेंगे वो है अन्य आउटपुट डिवाइस, जिनको हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग समझेंगे कि अन्य आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं। आज के लिए इतना ही, लगता है ये आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, ग्रुप में आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।